हाँ भाई, क्या यहाँ हुआ? पे दर्द है, सर में दर्द है। फीवर सर में दर्द है और फीवर भी है। ना इतना नहीं है, मतलब हल्का हल्का है, पर पूरी बॉडी में दर्द है। बॉडी में मतलब दर्द मेरे है। को पेट में भी हल्का हल्का पेन है, पता नहीं। अच्छा, ऐसे कह रहे थे कि डायरिया भी हो सकता है, पर ऐसा डायरिया वायरिया नहीं है, हल्का हल्का दर्द है। इंजेक्शन के बाद ये कहानी है मतलब है। चलो कल लगाए, कल तक कुछ नहीं था, आज थोड़ा सा प्रॉब्लम है। हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू माय नेक्स्ट व्लॉग। एक और व्लॉग में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। काफ़ी दिनों बाद आज बहुत करारी धूप निकली है, पर हम रात को मतलब पंखे में सोए थे और बहुत अच्छा लगा था। हवा चल रही है अभी बाहर। जैसे कि मैंने बताया था, मेरा दूसरा चैनल कर लो कारोबार, वहाँ वीडियोस वगैरह अब मैं डाल रहा हूँ, क्योंकि कुछ काफ़ी सारे लोग मुझसे वीडियोस मेरे शेयर कर रहे हैं या DM कर रहे हैं मेरे इंस्टाग्राम पे। तो आप भी कर सकते हो अगर आपको अपने बिजनेस को प्रमोट कराना है। ओह माय गॉड, भगवान बहुत खुश है, आज कोरोना बहुत कम हो गया है, खुशी के आंसू हैं भैया। बारिश होने वाली है हमारे दिल्ली में यार। इतना प्यारा मौसम जब आता है ना, मन करता है निकल जाएं गाड़ी निकाल के। पहले हम ये करते थे, पहले करते थे, याद है ना तुम्हें? हाँ, पहले तो हम निकल जाते थे। बारिश आने का प्रोसेस पता है? क्या प्रोसेस है भैया? सन ना जब समुंदर को धूप देता है तो पानी में से भाप निकलती है, भाप क्लाउड बनते हैं, ठीक है, उनमें पानी भर जाते हैं, फिर वो इधर आके बारिश करते हैं, फिर वो जब वापस से वही प्रोसेस चलता रहता है। यहाँ समुंदर तो है नहीं दिल्ली में। अरे अरे, क्या एक बार प्लेन में उड़ा था तू ऐसे करके? नहीं नहीं, हाँ जब एक बार हम ऊपर गए थे। हाँ याद आ गया, क्या याद आया? सबसे पहला होता है इवेपोरेशन और सेकंड प्रोसेस है कंडेंसेशन। चल मैं तेरी क्लास लगवाऊंगा। आई एम एजुकेशन क्लासेस। तो गाइस यहाँ अपनी एडिटिंग भी चल रही है, एक और ब्लॉग की तैयारी हो रही है। वैसे तो ये ब्लॉग देख चुके होगे, जब तक दे भी है फटीचर सीधा मुंह पे मार रहे हैं, ज्यादा ढक्कन उठा उठा के लगा के खेल रहे हो। ये फेंका, देख लो इसके हाल। देखो ऐसे, ये सिर्फ हाथ हिलाना है ना कि पूरा हाथ हिलाना है। देखा, ढंग से लगाना, पैसे नहीं मिलेंगे वरना। पैसे तो तुम वैसे भी कभी नहीं देते हो। हाँ। बताओ जरा कब दे दिए पैसे? पूरा बैंक अकाउंट दे दिया। झूठे, इतनी बार पैर दबवा लिया होते हैं, एक एक घंटा और एक घंटे के 2 घंटा 20 मिनट दबवाया मेरे से। हाँ, क्या सच? उसके बदले में क्या लिया तुमने ये बता? पर तो मुंह बंद कर ले, मुझे तो नहीं लिया। नहीं कुछ नहीं लिया। मम्मी का तो ऑफर दिया करो, मुझे ऑफर दे दिया। मम्मी को भी ऑफर दिया। सबके लिए ऑफर नहीं होता है, कुछ कुछ लोगों के लिए होता है, स्पेशल लोगों के लिए होता है। मम्मी मैं स्पेशल में हूँ कि नहीं हूँ? नहीं, तुम्हें तो पूरा बैंक अकाउंट दिया ना। बस ये कह के ना सारी बातों से पीछा छुड़ा ले। देख लो सारी बातों। हम नीचे जा रहे हैं क्योंकि हमें दिया जलाना है, आज है सैटरडे, तो दिया जला के आते हैं फटाफट। स्ट्रीट डॉग भी लाना एक। ये बड़े टाइम से पीछे बड़ा डॉग लाओ, डॉग लाओ। ये कह रहा है गली का कोई कुत्ते का बच्चा उठा दो। उसकी माँ नहीं देखेगी ना? क्यों? अरे यार बेटा, बच्चे हमेशा माँ के साथ रहते हैं। प्लीज तेरी तरह थोड़ा ना अलग अलग घूमते हैं। अरे प्लीज ले आना ना। देखते हैं मिलेगा तो लाएंगे। चलो यस हाय। कुत्ते के चक्कर में पड़ रहा है, मैंने समझा रहा हूँ अगर ट्रेवल करते हैं ज्यादा बाहर रहना होता है। मैं रह लूंगा घर में। अबे टट्टी पट्टी कौन धुलाएगा, कौन सफाई कराएगा, कौन घुमा कर लाएगा? मैं साफ कर दूंगा टट्टी। गाड़ी कैसे साफ हो गया? सो गाइस गुड मॉर्निंग अगेन। एक ट्रिप हम करते हैं, दाढ़ी वाड़ी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, हो गई दाढ़ी। आज सोचोगे इतनी जल्दी कहाँ, क्या प्लान कर रहा हूँ? तो एक्चुअली मैं प्लान तो कुछ है डेफिनेटली, और जाने का भी है, तो उसके लिए कोविड टेस्ट रिपोर्ट चाहिए होती है। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि सरकारी हो जाए, फ्री वाला काम हो जाए, तो अभी निकल रहा हूँ। और एक मेरा कुरियर भी मंगाया था, कुछ सामान था जो कि वाया पोस्ट आउट ऑफ इंडिया से आया है, तो उसके लिए घर पे नहीं आया। लास्ट टाइम भी एक सामान लेने के लिए मुझे पोस्ट ऑफिस जाना पड़ा था, तो दोबारा पोस्ट ऑफिस जा रहा हूँ। तो यार रिक्शे पे जा रहे हैं, आज गाड़ी नहीं निकाली, बहुत ज़्यादा भीड़ भड़का जहाँ जाना है, गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है, सड़क पे गाड़ी खड़ी करनी थी, तो मैं कहा रिक्शे पे निकल जाते हैं फटाफट। और आज बारी है चाइनीज रिक्शे की, फटाफट निकल गए, हवा बहुत तेज चल रही है।
भाई पॉइंट तो गए हैं, अभी लोग आए ही नहीं है। भैया कोविड टेस्ट कराने जा रहा हूँ, यहीं नहीं कहीं हो रहा है भैया, पता नहीं, देखते हैं। भीड़ उड़का बहुत है, लॉकडाउन खुलने की वजह से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो गया है। फाइनली मिल गए हमें, कोविड टेस्ट कराने लगे हैं, देखते हैं फ्री में होता है कह रहे हैं। BILA टेस्ट करवाते हैं, फिर रिपोर्ट 24 घंटे में आएगी। एक उन्होंने पकड़ा दिया, अभी कह रहे वेट करो। मेन रोड पर कैंप लगे हुए हैं रेड कलर के, यहीं टेस्ट हो रहा फ्री ऑफ कॉस्ट। Check the mic and make sure it sound right, boys. तो गाइस हो गया एक टेस्ट, 24 से 36 घंटे के अंदर रिपोर्ट कह रहे हैं और मैसेज आ जाएगा, लिंक आ जाएगा, देखते हैं। फाइनली गाइस आ गए हम घर पे, सारे काम ऑलमोस्ट हो गए हैं। हाल फिलहाल कुछ प्लान कर रहा हूँ ट्रैवल का, उसके लिए कोविड रिपोर्ट चाहिए और फ्री में हुआ टेस्ट, आपको बता दूँ फ्री में हुआ टेस्ट। कनोपी लगी हुई थी सरकारी, मैंने पूछा अपने जानकार हैं तो उनसे पता चला फ्री में टेस्ट हो रहा है, अदरवाइज आप बाहर से कराएंगे 800 रुपये का टेस्ट है अगर आप लैब में जाके करवाते हैं, और अगर घर पे बुलाते हैं 1250 का है। तो मेरा फ्री में टेस्ट हुआ है और 24 से 36 घंटे में रिपोर्ट कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, 72 घंटे तक वैलिड होती है। तो ट्रैवल कहाँ कर रहा हूँ वो आपको पता चल जाएगा बहुत जल्द। तो आपको पता चलाने के लिए आपको मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो करना पड़ेगा, jatin.amholiday, वहाँ फॉलो कर लेना, वहाँ आपको स्टोरी अपडेट्स मिलते रहेंगे, मैं कहाँ ट्रैवल कर रहा हूँ, कब जा रहा हूँ। बहुत जल्द जा रहा हूँ वैसे, फिलहाल डोमेस्टिक बहुत पॉपुलर जगह है इंडिया की, बहुत ज़्यादा पॉपुलर, बहुत हॉट सेलिंग एक टाइम पे ये पैकेज बिकता था, क्योंकि ये सीज़न शुरू हो चुका है जून जुलाई का, इस टाइम पे तो सर मारा मारी होती थी भैया इस पे, मतलब 50,000 रुपये का पैकेज बिकता था यहाँ का। फिलहाल जा रहा हूँ वहाँ पे, मैं 50,000 नहीं खर्च रहा, पर मैं फिर भी आपको बताऊँगा, वहाँ बहुत ही खूबसूरत जगह है, दुनिया की बहुत खूबसूरत जगह, कमेंट में बताना क्या हो सकता है वो। सो गाइस आजकल ना मास्क वाला सिस्टम चल रहा है, वो जो लंबे लंबे मास्क पूरे कवर वाले, तो बस ये मास्क मैंने पहले ऑनलाइन देख रहा था, बहुत ज़्यादा महंगे थे और मुझे बहुत सस्ते में मिल गए हैं लोकल शॉप पे, और हाँ तो लिया हूँ। और एक चीज़ अच्छी लगी सरकार की, फ्री में टेस्ट कर रहे हैं, 24 से 32 घंटे में टेस्ट आ जाएगा, उन्होंने मेरा नंबर लिया है, नंबर पे लिंक भेज देंगे और उसको डाउनलोड कर लूँगा। तो इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, बने रहिएगा साथ में, और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो भैया आपको बता दूँ यहाँ पर अक्सर हम ट्रैवल ब्लॉग डालते हैं, और ट्रैवल ब्लॉग अभी हाल फिलहाल नहीं हो रहे हैं, पर अभी ट्रैवल के लिए ही मैं गया था टेस्ट कराने, और ट्रैवल बहुत जल्द करने वाला हूँ क्योंकि लॉकडाउन खुल चुका है, चीज़ें उम्मीद है सब नॉर्मल में हों। तो अभी जा रहा हूँ ट्रैवल करने, और अगर आपको घूमना फिरना पसंद है तो डेफिनेटली हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारा घूमना आने वाले टाइम में होने वाला है, और लेटेस्ट अपडेट्स ट्रैवल रिलेटेड न्यूज़ अगर आप चाहते हैं तो मेरा एक और चैनल है ट्रैवल विद अपडेट्स, वहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप बिजनेस रिलेटेड कोई वीडियो डलवाना चाहते हो, वो भी मेरे एक चैनल है कर लो कारोबार करके, वो भी आप फॉलो कर सकते हो। इन सब चीज़ों की डिटेल मेरे होम स्क्रीन पे, मतलब आप अगर मेरे चैनल पे जाओगे नीचे होम बटन पे आपको मेरे ब्रेस्ट ऑफ चैनल आपको नजर आ जाएंगे, आप चाहो तो आपको कुछ लगे इंटरेस्टिंग तो डेफिनेटली वहाँ भी फॉलो कर सकते हो। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तो गाइज बाय।